हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जालौन नगर परिषद द्वारा जालौन शहर का गंदा कचरा रोजाना टैक्सी व ट्रैक्टर द्वारा गिटको होटल के पीछे डाला जा रहा है, जिस वजह से वहां काफी संख्या में कचरे के ढेर लग गए हैं। रास्ता भी अवरुद्ध हो चुका है। वही शहर का गंदा पानी भी उसी नाले से वहीं से आगे जाता है, जो कचरे की वजह से वह गंदा पानी रोड पर फैल जाता है। उसकी वजह से वहां बदबू व मच्छर तक फैल गए हैं। वहां रहने वाले लोगों ने आक्रोश जताते हुए कहा कि कचरा या गंदगी नहीं हटाई गई तो मजबूरन हमको धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। इनकी शिकायत कई बार नगर परिषद जिला प्रशासन को करने के बाद भी अभी तक यही हाल बना हुआ है। हालांकि डॉक्टर किशन कुमार भाटी अपने खर्चे से रोजाना सफाई कर्मी से उप कचरा साफ करवा जाते हैं, जबकि मोहल्ले वासियों ने कई बार वार्ड पार्षद, हेल्पलाइन, कंट्रोल रूम व अध्यक्ष तथा आयुक्त नगर परिषद को लिखित व मौखिक भी सूचना दे चुके हैं। उसके उपरांत भी कार्रवाई नहीं होने के कारण डॉक्टर किशन सिंह भाटी ने वर्ष 2017 में स्थायी लोक अदालत में इस प्रकरण को दर्ज भी करवा चुके हैं। उसके बाद भी अभी तक समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। जगह जगह कचरे के ढेर पर कुत्ते, सुअर तथा अन्य जानवरों द्वारा सड़क पर कचरा फैला दिया जाता है, जिसके कारण बहुत दुर्गंध फैलती है तथा हरदम मौसमी बीमारियां जैसे कि मलेरिया, डेंगू, एलर्जी, स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों का खतरा हर समय बना रहता है। गिटको होटल के पीछे वार्ड नंबर 30 में ये नगर पालिका वाले दिन भर कचरा डालते थे ट्रैक्टर ट्रॉली और ये उसके थ्री व्हीलर से। कितनी बार ही मना कर चुका है, नगर परिषद में शिकायत करी, कोर्ट में केस दर्ज कराया, सेशन जज में, हेल्पलाइन में कितनी बार शिकायतें दर्ज करवा दी है, पर कोई सुनता नहीं है। दिन भर कचरा उठता रहता है, गाय, सुअर, कुत्ते सब उसको कचरे को बिखोरते रहते हैं। नाला ब्लॉक होने की वजह से सारा घर गंदा पानी सब घर के आगे आगे इकट्ठा हो जाता है। इतनी बदबू आती है जिसकी कोई हद नहीं, बैठ नहीं सकते, सो नहीं सकते और परेशान हो गए कर कर के मोहल्लेवासी, लेकिन कोई ध्यान नहीं देता है। आयुक्त को भी शिकायत करी, उसको भी शिकायत करी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। अभी दो दिन पहले शिकायत करके कचरा हटवाया था, वापस सुबह से सारे ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रॉली वाले आके सब कचरा बिखोर के वहीं चले जाते हैं। कहते हैं तो कहते हैं कि हम तो यहीं डालेंगे, आपको जो करना हो जो कर लो, अब क्या कर सकते हैं। इसलिए हम तो इतने परेशान हो गए कि पूछो मत, जीना दुर्भर हो गया हमारे यहाँ रहना। कोई आता भी है तो कहते हैं कि साहब क्या करो, ये अभी मेरे सामने तीन ट्रैक्टर गए हैं और ट्रॉली गई है, थोड़ा इसका उचित उपाय करके और इसका कहीं डंपिंग यार्ड दूसरी जगह बनाए और इस पानी का ड्रेनेज का नाले का थोड़ा डाइवर्जन करावे कहीं, तो यहाँ रहना आसान हो। जालौर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।